गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके परिवार को बहुत बड़े खतरे से बचा सकता है, बहुत सारे आपके पैसे बचा सकता है। किस तरीके से, क्या है जुगाड़ू आइडियाज, उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो बस वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारे आई कार्ड होते हैं, बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उनके स्कूल के, तो क्या ना इन पे वो परमानेंट वाला लेमिनेट करके नहीं देते हैं, यहाँ से नीचे से उखड़ने लगता है, खींचने लगते हैं और पूरे साल भर भी बच्चे नहीं चला पाते हैं। और खासकर छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इसको क्या करना है। बारिश हो रही है इस टाइम, कभी भी गीला हो जाता है, बिकॉज ऑल टाइम उन्हें हम रेनकोट या अम्ब्रेला वगैरह देकर नहीं भेज सकते अगर बच्चे छोटे हैं तो, है ना। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं तो अपने दांतों से हाथों से चबाती रहते हैं, मुंह में रख लेते हैं, तो वो ना छोटे छोटे से हटने लगते हैं, नए हटने लगते हैं, फिर उनमें जरा सा भी पानी वगैरह जाता है तो वो पूरा ही खराब हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके की अगर हैं तो आप घर में ही इनको लेमिनेट कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल जो आपके घर में जो कपड़े वगैरह में रैपॉल निकलती है ना, रैपॉली निकलती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो पूरा मतलब बैक एंड फ्रंट दोनों का बना सकते हैं, नहीं तो आप फ्रंट फ्रंट का ही बना सकते हैं, बिकॉज पूरा तो प्लास्टिक का है तो उसको हार्म नहीं होगा, बट आगे से ही है तो मैं सिर्फ आगे का ही बना रही हूँ। उसके नाप का मैंने यहाँ पर मेजर लेके कट कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से कोई भी कपड़ा रखना है, उसके ऊपर से आपको फिर से एक कपड़ा स्प्रेड कर देना है इस तरीके से, और बस आपको प्रेस को गर्म करना है। और यहाँ पर बस आपको प्रेस को गर्म करके इस पर आपको 50 से 60 एक मिनट तक आपको इस तरीके से इस पर मतलब घिसना है, थोड़ी देर के लिए इस पर ही रखना है। आपको देखिए निशान से पड़ने लगे आई कार्ड के, तो इस तरीके से जब पड़ने लगे तो बिल्कुल से लेमिनेट हो जाएगा पॉलीथिन, बिल्कुल चमक मतलब इस पर चिपक जाएगी एकदम से, आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो बहुत अच्छे से लेमिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप से इस तरीके के देखिए हमारे पास बॉक्सेस है, किसी न किसी चीज़ में आ ही जाते हैं। तो मैंने भी अभी डेटा केबल खरीदी है तो उसमें ये निकला, तो इसमें इस तरीके के निकलते हैं। तो आप इन पाउचेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने कोई भी ज़रूरी कागज़ वगैरह हैं उनको रख सकते हैं आप इसमें, और रख कर कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, जैसे आपके पास आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, विजिटिंग कार्ड्स आपके होते हैं तो आप उनको भी इसमें रख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। और इसको आप अपने मतलब हैंड वॉलेट में या पर्स में भी आप इजीली तरीके से रख सकते हैं। और इसका सेकेंड यूज़ आप इस तरीके से फ़ोन रखने में भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी प्लेस पर जाते हैं वहाँ पर आपको फ़ोन हैंगिंग के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके का पाउच अगर आपके पास है तो आप इजी तरीके से चार्ज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप सबसे पहले तो आपको जो फ़ोन को है ना उल्टी तरफ से डालना है, ठीक है। अगर आप पैसे डालेंगे तो आपको पीछे से खोलना पड़ेगा, तो आप उल्टी तरफ से डालिए जिस पर चार्जर की पिन ना ऊपर की साइड रहे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और बस आपको चार्जर को है ना, तो इसमें इस तरीके से आपको चार्जर को यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, एंड देन आप जो जो इसकी मतलब डोरी है इसमें आपको हैंगर है ना, इसमें आपको इस तरीके से फंसा देना है, और बस अब चार्जर को स्विच बोर्ड में आपको इस तरीके से लगा देना है। देन आपको चार्जर बहुत इजी तरीके से चार्ज होता रहेगा, कोई गिरने का चांस नहीं है, एंड आपकी आंखों के सामने भी रहेगा अगर आप बाहर कहीं कर रहे हैं। और घर में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और घर में क्या होता है ना कि हम कील वगैरह तो लगा लेते हैं, लेकिन फ़ोन को उसके पे हैंग कैसे करें, तो जो एक मतलब आर्टिफिशियल सी नेल आती है इस तरीके की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बस इस तरीके से आप इसमें अपना फ़ोन वगैरह घर पर भी हैंग करके इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ गाइस। तो ये वाला आइडिया मेरा मोस्ट फेवरेट है, आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस टाइम बारिश का सीजन चल रहा है तो मैं इस आइडिया को ना 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, जब से बच्चों के स्कूल खुले हैं, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही थी ना तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं, चाहे हम कितना भी ख्याल रखें। हम कॉकरोच वगैरह से जूझते रहते हैं तो वो तो नहीं आते, उसके साथ साथ कई छोटे मोटे से झिंगुल रिंगुल टाइप आ जाते हैं तो वो गैस बर्नर पर घुस जाते हैं इधर उधर। तो मैं ना इसको इस तरीके से टॉवल से ढक कर रख देती हूँ, बिकॉज सुबह मुझे बहुत जल्दी होती है, बच्चों के लिए खाना बनाना होता है स्कूल के लिए, फिर मैं गैस को साफ़ करूँ तो मुझे 5 मिनट तो गैस को ही साफ़ करने में लग जाते हैं। तो मैं इस तरीके से अब इसको कवर करके रखती हूँ, तो सुबह जैसे ही आती हूँ फटाफट से हटाती हूँ, हल्का सा एक स्प्रे करती हूँ, एंड देन मेरे कुकटॉप रेडी होता है खाना बनाने के लिए, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसी तरीके से अगर मेरा, वैसे तो मैं बर्तनों को स्टैंड में लगा के ही मतलब सोती हूँ, लेकिन कभी कभार आलस आ जाता है, बर्तन गीले होते हैं अगर हम लेट नाइट काम करते हैं तो मैं इस तरीके से कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से रखेंगे तो कोई भी घूम जाता है हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि सुबह तो मुझे कोई दिखता नहीं है, लेकिन अब
श्योर नहीं है ना कि कुछ भी आ जाए, तो इस तरह की जगह रहता है तो हमें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्तनों को बार बार। और चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस अक्सर देखिए अब बरसात का सीजन चल रहा है तो छिपकलियों का आना जाना तो बहुत ज़्यादा लगा ही रहता है, आ जाती हैं छिपकली। मेरे घर में भी एक आ गई थी, तो देन मैंने इस तरीके का सॉल्यूशन बना के रखा है, तो उसको हल्का सा भी स्प्रे करती हूँ तो देन चली जाती हैं, छुप जाती हैं। और अगर मतलब और अगर आपको ज़्यादा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे तो वो मर भी जाती हैं। और होता है ना कि मैं जैसे स्प्रे करती हूँ तो वो भाग जाती हैं, तो मतलब उसकी स्मेल फिर मैं कर देती हूँ तो वो दो तीन दिन तक वहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। और अगर आप ज़्यादा अगर डायरेक्टली स्प्रे चला ही जाएगा ना तो मैं क्या करती हूँ ना, वो उनकी एक परमानेंट जगह होती है और मैं वहाँ पर ही इसको रोज़ स्प्रे कर देती हूँ, तो वो इसकी फ्रेग्रेंसी ना निकलती नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है, अगर आपके पास चिली विनेगर हो तो आप चिली विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्राउन शुगर को इसमें चिली में आप भिगो कर रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी मिर्च वगैरह है उनको निकाल कर आप एक स्प्रे बॉटल में फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा कपूर को भी क्रश करके डाल दिया है, जिससे कि मतलब छिपकली बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्या होता है ना कि मतलब छिप जाती है तो बार बार बाहर नहीं आती हैं वो, तो इस तरीके से देखिए आपको निकाल लेना है। और जहाँ जहाँ छिपकली है सिर्फ एक ही है, और अभी तो काफ़ी टाइम से वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ, तो ये मैंने 4-5 दिन पहले ही बनाया था सॉल्यूशन, देन इसको इसमें फिल कर लिया था। अभी देखिए थोड़ा सा खाली भी हो गया है, कि स्प्रिंकल मैं डेली कर ही देती हूँ उस कॉर्नर पर, क्या पता कहीं छुपी हो, निकलना है। बिकॉज मुझे और चलो कहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मैं किचन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज किचन से हमारी पूरी हेल्थ जुड़ी हुई होती है। और किचन में ऐसी ऐसी जगह है, मेरी तो नॉन मॉडुलर एंड अनफर्निश्ड किचन है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, कहीं उधर छुप के ना बैठ जाए, है ना। तो क्योंकि अगर किचन फर्निश्ड होती है तो चलो कवर्ड्स वगैरह उनके बंद कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अनफर्निश्ड होती है तो बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि छिपकली आ सकती है, आना जाना करती है, वहाँ स्प्रे कर दीजिए, तो अपनी जगह से एक तो बाहर नहीं आएगी। और अगर डायरेक्टली इसकी 2-4 बूंदें भी उस पर पड़ जाएँ तो वो उसको मतलब इतनी फ्रेग्रेंसेस में होती है कि वो मर भी सकती है ना। तो अब देखिए हम कई बार होता है ना बाहर जाते हैं तो मतलब हो जाता है किसी ना किसी कुछ प्रॉब्लम, हाथ वगैरह धोने ही पड़ते हैं, ठीक है। और मतलब पेपर सॉप वगैरह नहीं होता, इसी तरह का स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो कब तक पेपर सॉप देंगे। तो आप इस तरीके से साबुन को हल्का सा पीलर से पतले पतले से स्ट्रिप्स काट के आप छोटी सी कोई सी डिब्बी सेट कर दीजिए और बस इन बच्चों के बैग में रख दीजिए, अपने भी बैग में रख सकते हैं अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो इससे आप अपने एक टुकड़ा उठा के आप इजी तरीके से हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर पेपर सॉप नहीं मिलता है तो आप ये ट्रिक जरूर फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपने घर से बाहर 3-4 घंटे के लिए किसी भी आउटिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर मेरा मतलब वेजिटेबल्स को लेके। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग भिंडी वगैरह ले आते हैं, चाहे उन्हें हम किचन में स्टोर करें या फ्रिज में स्टोर करें, अगर हमने 2-3 दिन तक चलो कि फ्रिज में तो 4-5 दिन चल जाती हैं, अगर बाहर तो 2-3 दिन भी नहीं चलती हैं, तो अब सब्जी हमारी 1 वीक की आती ही है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद ये मुरझा जाती हैं, और खासकर मेरे घर में भरवा भिंडी ज़्यादा पसंद की जाती है तो मुझे भरवा भिंडी बनानी पड़ती है। अब इनका नंबर 4-5 दिन बाद आया है तो ये देखिए मुरझा गई है, और इस तरीके की भिंडी भरवा भिंडी बिल्कुल भी नहीं बनती है अच्छी। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से डालकर उस पर चिल्ड वाटर डाल देती हूँ, एकदम से ठंडा पानी। और ठंडा पानी अगर ज़्यादा ही मुरझाई हुई होती है तो थोड़े से आइस क्यूब भी मैं डाल देती हूँ, अगर मतलब अभी ये ज़्यादा मुरझाई हुई सी नहीं है, अगर ज़्यादा मुरझा जाए तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, देन ये फिर से एकदम से फ्रेश की फ्रेश हो जाएंगी। बस आपको इसको 1 घंटे के लिए या कम से कम आधा घंटे के लिए तो आपको इसको ठंडे पानी में या बर्फ़ के पानी में इनको छोड़ना ही होगा, और उसके बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल से हरी भरी हो जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल मतलब अपनी शेप में ही आ जाती है, और फिर आप इनसे जो चाहे वो बना सकते हैं। तो गाइज ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपको एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोज को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू लाइक माई वीडियो। फिर मिलेंगे हम अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।